कौन है आपके सिवा मेरा। उत्तरा ने रोते रोते भगवान से प्रार्थना की, गोविंद मेरे गर्भ में पल रहे बालक को गर्भ में नष्ट किया जा रहा है, क्या मेरे गर्भ की रक्षा नहीं करोगे गोविंद। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। गोविंद हे कृष्ण हे महायोगी हे गोविंद, मैं ये जानती हूं इस संसार में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, उसे मरना ही पड़ेगा। जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना, जो संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन गोविंद हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि जो अभी मेरे गर्भ में है उसने क्या ऐसा अपराध कर दिया है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है। ये तो मैंने सुना है कि जो पैदा होगा वो मरेगा, लेकिन जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसे गर्भ में क्यों मारा जा रहा है गोविंद? क्या मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा नहीं करोगे तो आपको कोई अनाथों का नाथ नहीं कहेगा? मेरा तो कोई नहीं है गोविंद। भगवान कहते हैं तुम चिंता ना करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। बस अनन्य भाव से मेरा स्मरण करो, बाकी सब टेंशन भूल जाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो।